हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक मेडिसिन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई पाउडर ग्लूमॉक्स सीए के बारे में। तो ये ड्राई सिरप होता है गाइज, इसके अंदर एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लैबोनेट का कॉम्बिनेशन रहता है, जो कि ओरल सस्पेंशन में मेडिसिन तैयार की जाती है। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है और बच्चों के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। गाइज, इसकी अगर हम बात करें यूजेस की, इसके बेनिफिट्स की, तो इस सिरप का यूज़ जब भी बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होती है, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर यूटीआई की दिक्कत होती है, पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, या फिर पेट वगैरह में इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन डॉक्टर देते हैं और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं बच्चों को। गाइज, ये पेंसिलिन ग्रुप की एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो कि पोटेशियम क्लैबोनेट के साथ में आती है। गाइज, एमोक्सिलिन इसके अंदर एक एंटीबायोटिक है और पोटेशियम क्लैबोनेट एक वीटा लैक्टम इनहिबिटर मेडिसिन होती है, जो कि इसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है, जिससे कि मरीज जो है जल्दी ठीक होता है, बीमारी जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये ड्राई पाउडर फॉर्म में आपको मिलती है, तो सिरप को लाने के बाद आपको खुद से घर पर तैयार करना होता है, या फिर आपके जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं हॉस्पिटल में, वो भी इसको तैयार करके दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको ये सिरप कुछ इस तरह से मिलता है जब आप इसको लेकर आते हैं। तो इसके अंदर ये पाउडर की फॉर्म में मेडिसिन होती है और साथ में एक वाटर का एम्पुल मिलता है, और इस एम्पुल को तोड़कर इसके अंदर आपको इस पानी को डालना होता है यहाँ तक, और यहाँ तक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस कप की मदद से देना होता है नाप के बच्चों को, जितना डॉक्टर आपके बताते हैं। दोस्तों, इसका MRP देखें तो 59 रुपये में आपको मिल जाती है। एक्सपायरी 2023 तक की है। ब्लू क्रॉस कंपनी इसको बनाते हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग वगैरह दी है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका पूरा बनाने का तरीका है कि आपको क्या करना है। पहले अच्छी तरह से पाउडर को शेक कर लेना है, उसके बाद इस सैंपल को तोड़ना है, ओपन करना है सैंपल को, और ओपन करने के बाद इसके अंदर डाल के और इसको फिल करने के बाद अच्छी तरह से हिलाना है, और दवाई की मात्रा डॉक्टर के हिसाब से देनी है जितना बताते हैं। और गाइज, आपको एक ध्यान रखना है कि इसका जो यूज़ है वो आपको 7 दिन के अंदर कर लेना है, तो 3 से 4 दिन में नॉर्मल ये मेडिसिन यूज़ हो भी जाती है गाइज, तो इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और अगर आपका बच्चा ठीक हो जाता है तो 7 दिन के बाद रखी हुई मेडिसिन बिल्कुल ना यूज़ करें, इसको फेंक दें। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इस तरह का सिरप यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।